स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन WWE इतिहास के ऐसे सुपरस्टार हैं जो अपने विरोधी को रिंग में हराने के बाद अपनी बातों से उनको कहीं का नहीं छोड़ते थे। वैसे तो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के नाम WWE के कई बड़े रिकॉर्ड रहे हैं, वहीं इनका नाम भी WWE में कई बार इन्होंने बदला अपने करेक्टर के हिसाब से। वहीं स्टीव ऑस्टिन को आपने देखा होगा, हमेशा उनके टी शर्ट पर हमेशा 316 छपा हुआ रहता है। आखिर इसका मतलब क्या है और इसकी कहानी क्या है, आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी 1996 में, जब किंग ऑफ द रिंग का कंपटीशन था जिसे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने जीता था, और इसमें उन्होंने हराया था जैक द स्नेक रॉबर्ट को। और जिसके बाद स्टोन कोल्ड अपना ताज लेने जाते हैं, वहां पर जाते ही उन्होंने सबसे आइकॉनिक स्पीच दी, जिसमें उन्होंने कहा, पहली चीज तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस पीस ऑफ क्रेक को मेरी रिंग से बाहर निकाला जाए। और ये बात उन्होंने जैक रॉबर्ट के लिए बोली। उन्होंने ये भी कहा कि इसे रिंग से ही नहीं बल्कि WWF से बाहर निकाल फेंकना चाहिए, क्योंकि इसकी औकात नहीं है मेरे सामने खड़े होने की। वहां बैठे ऑडियंस को भी उन्होंने काफी बुरा भला कहा, तुम बैठे रहते हो और बाइबल पढ़ते हो, दुआ करते हो, लेकिन तुम्हारी दुआ तुम्हें कहीं नहीं ले जाती। तुम गाने गाते हो, बात करते हो, John 3:16 की Austin 3:16 कहता है, I just ripped your ass. Austin 3:16 says I just whipped your ass. और इतना कहने के बाद उन्हें ऑडियंस की तरफ से काफी सपोर्ट मिलता है। इसके बाद ऑस्टिन कहते हैं, ये समय उनका है और उन्हें कोई नहीं हरा सकता है, और जिस दिन मैं टाइटल के लिए लड़ूंगा वो टाइटल भी मेरा होगा और रिंग भी मेरा होगा, क्योंकि इस रिंग का किंग मैं हूँ। और इसके बाद स्टोन कोल्ड का म्यूजिक बजता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। और किंग ऑफ द रिंग का दिन पूरा हो जाने के बाद उसके अगले दिन मंडे नाइट रो होता है। यहाँ पर स्टोन कोल्ड के नाम से बहुत सारे लोगोस और 316 के कई तरह के पोस्टर फैंस ने लगाए होते हैं, जिसमें लिखा हुआ था Austin 3:16, जिसके बाद से शुरू हो गया था एटीट्यूड एरा, जिसके बाद से ऑस्टिन ने Austin 3:16 वाला कैरेक्टर लिया और वो लोगों के बीच Austin 3:16 के नाम से जाने जाने लगे। ऑस्टिन ने उस प्रोमो को खुद बोला था, वो कोई स्टोरी लाइन नहीं थी, जिसके बाद से इतिहास उन्होंने WWE हिस्ट्री में रच दिया और Austin 3:16 तब से प्रचलित हो गया। तो ये थी दोस्तों Austin 3:16 का मतलब और उसकी पूरी कहानी। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा।